दीजिए, मेरे पति को वोट दीजिए। उसके बाद यहाँ ज्यादा आना नहीं हुआ। आज फिर पल्लवी जी के लिए आई हूँ। ये कहती हूँ, बड़ी बहू का लाज रख लीजिए, अपने भैया का भी लाज रख लीजिए। गंगा किनारे छोरा जो है उसका लाज तो आपको रखना होगा। मैं पल्लवी जी आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अभी जब आ रहे थे हम, तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के बच्चे झंडे लेकर, टोपी पहनकर, पैदल या मोटर बाइक पे या साइकिल में यहाँ आ रहे थे, और मैंने देखा कुछ कमल वाले झंडे जा रहे थे। ये आने वाले दिनों का संदेश है। वो जाएंगे और आप आएंगी, हम सब आएंगे। देखिए, मैं सुन रही हूं, यहां बोला जा रहा है, यहां से जो मंत्री जी हैं फिलहाल, जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे, ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? कहते हैं कि यहां औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ! इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं, अभी भी हूं, और झूठ के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे, तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आज महिलाओं के लिए ये बातें करते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। इन लोग झूठ ढोंगी लोग हैं। मुंबई भाषा में इनको फेंकू चंद कहते हैं, सिर्फ फेंकते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और पल्लवी जी, मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा कि देखेंगे, देखते रहेंगे, इनका काम ही है, पिछले 5 साल से सिर्फ देख ही रहे हैं, काम कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव जी जो काम करके गए हैं, उसी को देख ही रहे हैं, खुश हो रहे हैं, पीता काट रहे हैं, उसके आगे कोई काम नहीं किया। ताकत, आप लोगों के पास है। आप जिसको चाहते हैं उसे ताकतवर बना सकते हैं। ताकत हम लोगों के पास नहीं है, जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनके पास नहीं है। इस बात को समझिए और इसको बहुत जोर से, अच्छी तरह से 27 तारीख को दम लगाकर देखिए क्या होता है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, एक छोटी सी कविता है वो सुना दूं। इसका नाम है यूपी का लाल। कौन है यूपी का लाल? बहुत अच्छा। अब मैं जब पंक्ति पढ़ूंगी, इसके बाद आप लोग यूपी का लाल बोलेंगे। बोलेंगे? जो यूपी में लाया विकास की बौछार, वो कौन है? जिसने हर यूपी की बेटी को बनाया, अपने आप को बनाया उनका ढाल, वो कौन है? जिसने जात धर्म भूल के पूरे यूपी को समझा एक परिवार, वो कौन है? जो यूपी की गद्दी में जो यूपी की गद्दी में नहीं, फिर भी ईपी वालों के दिल में बसा था 5 साल, वो कौन है? और गद्दी जाने पर भी यूपी की सेवा करने से कभी ना करा इनकार, वो कौन है? जो हर नौजवान को नौकरी देने पर तुला है,
यूपी के हित में रहे, हर कर्म से जुड़ा है, वो कौन है? मैं माताओं से सुनना चाहती हूं कि यूपी का लाल कौन है? माताएं, आप बोलिए, आपकी आवाज बुलंद है। अगर आप बोलेंगी तो आपके बच्चे भी बोलेंगे। अपना भला समझिए। जिसको किसानों ने दिलवाया उनका हक, जिसने किसानों को दिलवाया उनका हक, हर गांव यहां पहुंचना, बनाया पक्की सड़क, जिसके यूपी मिट्टी का, जिसने यूपी को मिट्टी का, यूपी के मिट्टी को अपनी मां समझकर रखा ख्याल, वो कौन है? फिर एक बार कमल जो ना कर पाया कमाल, करेगा यूपी का लाल, वो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 27 तारीख को नहीं, नहीं मुझे गाना वाना नहीं आता। भैया ये गाना तो मुझे नहीं आता है, ये तो यूपी के छोरों को ही आता है। मैं पैदा हुई मध्य प्रदेश में बंगाली परिवार में, मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई, ये मेरा ससुराल। मेरा जिंदाबाद नहीं, इनका जिंदाबाद। हमारे यहां मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई, मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई, मेरे बेटे की सारी शादी साउथ इंडियन से हुई। तो हमारे परिवार में कभी जात पात, देश प्रदेश कुछ नहीं है। मगर जैसा आप लोग जानते हैं, गंगा किनारे छोरा जो है वो हमेशा गंगा का ही रहेगा, वो मुंबई के समुद्र का नहीं हो सकता। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गंगा किनारे की छोरी को जिताइए बहुमत से। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीत गई, फिर से बुलाइए, फिर हम आ जाएंगे, फिर गाने की कोशिश करेंगे।